दिनकर का बंधन हो, साहित्य का कुंदन हो, शांति का स्पंदन हो, सिर माथे का चंदन हो, श्री कृष्ण का बिहार हो, व्यक्तित्व का सुधाचार हो, नए बिहार का सृजनहार हो। पानी में आग कोई लगा नहीं सकता है, कोई माई का लाल भूमिहार भाई को हरा नहीं सकता। शर्म उन्हें लगती है जिनके कर्मों में दाग है, भूमिहार वह शेर है जिसके खून में भी आग है। अरे भेड़ बकरी की संख्या बहुत होता है, लेकिन जंगल में शेर क्यों ना? मच्छर से डर जाता है उसका भी खून लाल होता है, जो शेर से लड़ जाता है उसका भी खून लाल होता है। भूमिहार वह जो शेर है, भूमिहार वह शेर है जो मौत को ललकारे, वो जलवा केवल भूमिहार के खून में होता है। भूमिहार पर हम एकता मंच के कहिए या समाज के संगठन के जो संस्थापक हुए जी आशुतोष जी, उनको यही माने लक्ष्य करने का एक उद्देश्य है कि समाज को एकत्रित करके। अभी हम राजगीर क्षेत्रों में हैं और अभी रास्ते से जा रहे थे तो बीच सड़क पर जो है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के जबरा फैन मिल गए हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। चूंकि आगामी 5 नवंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के तरफ से भूमिहार ब्राह्मण का महापंचायत रखा गया है और महासभा है, उसी पर हम बात करना चाहेंगे। नाम हुआ आपका? मेरा नाम चुनचुन सिंह है। चुनचुन सिंह जी, 5 नवंबर का जो है भूमिहारों का महापंचायत हो रहा है बेगूसराय में, है ना? पता जी, देखिए करने वाले हैं इस बार महापंचायत करने का ये उद्देश्य है जी। भूमिहार पर हम एकता मंच के कहिए या समाज के संगठन के जो संस्थापक हुए जी आशुतोष जी, उनको यही माने लक्ष्य करने का एक उद्देश्य है कि समाज को एकत्रित करके इकट्ठा कर करके अपने है जो राजनीति हिस्सेदारी लेना। जैसे अभी वर्तमान में देख लीजिए जाति जनगणना, तो जाति जनगणना में हम लोग 7% थे, तो 7% से घटा करके हम लोग को 2.5% कर दिया गया। इतना निचले स्तर पर कर दिया गया, इतना निचले स्तर पर कर दिया गया कि समझिए आप 243 विधानसभा सीट में है जो हम लोग का सब जगह कहीं 50,000-25,000 से कम कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। 40 को लोकसभा सीट में है जो 15 को जो भूमिहार बहुल है, तो हम लोग का इतना कम संख्या कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो ये आपका तो जातीय जनगणना जो हुआ है उसमें भी अब आंकड़ा कम गया है आपका, पहले से ही अब कम गए हैं, बहुत कम गया है। और ये माने इस जातीय जनगणना कर आ करके जो समाज में बिगड़ा करना, समाज में नफरत घिरना, इससे देश कलेश के भावना पैदा करना, जिससे कि समाज है तो कि अभी कोई कहीं कुछ बोल रहा है, अनाप शनाप माने जो मन हो रहा है जो बोल रहा है, ये माने कहिए कि नफरत। कुछ नेता तो बिहार के हैं जो तालियां बटोर रहे हैं जाति जनगणना करवा के, पूरा थपथपा रहे हैं पेट, हालांकि इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान होगा। जो 20 का बोली बोलेंगे, जहर का बोली बोलेंगे, उगलेंगे, उनको है जो इलेक्शन के समय करारा जवाब दिया जाएगा। नेता का तो फायदा हो ही जाएगा, आम लोग का फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन नेता का तो फायदा हो ही, चूंकि अब सीट उसी के अनुसार जनगणना के अनुसार ही समझिए कि बटेगा। नहीं, जनगणना के अनुसार तो उस तरह से करेगा तो हम लोग कह दिए ना। अब जैसे हम लोग का कितना 12 को लोकसभा सीट पर है जो हम लोग भूमिहार बहुल है, जिसको चाहेंगे उसको है। हाँ, रेस में, फेस में, गैस में, कहीं भी नहीं, हम लोग लेस में, सब जगह हम लोग है जो फेस करने के लिए तैयार है। तो इस बार 5 नवंबर को क्या करने वाले हैं? नालंदा जिला से कितना लोग जाने वाले हैं? नालंदा आशुतोष जी है जो सब माने चाहे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से है जो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अपना काम धाम छोड़ करके एक दिन है जो अपने समाज के खातिर, अपने समाज का मान मनोबल शान आन बान शान बढ़ाने के लिए है जो वहाँ है जो बेगूसराय के जीडी कॉलेज में है जो जीडी कॉलेज में आप दिन आप लोग एक बार है जो पहुँचिए और अपने समाज को मैंने जो भीड़ अधि कर करके इकट्ठा होकर के अपने दिखा कर अपने समाज का लेने का काम, अपने समाज का एकता का प्रदर्शन कीजिए, ताकि जो अभी जातीय जनगणना करा करके उसका जो बटोरने वाले फायदा है उससे उनको है जो करारा तमाचा लगे और उनको राजनीतिक नुकसान का है जो सबक सीख जाएंगे। अच्छा, भूमिहार कहते किसको है? थोड़ा सा आप शेरो शायरी बहुत सुनाते हैं, थोड़ा सा सुनाइए भूमिहार। देखिए भूमिहार, भूमिहार अभी दिखा रहा था कि हम लोग जनसंख्या में कम है, ऊंचा हम लोग को दिखाया गया है कि 2.5 माने 85% है, लेकिन जमीन जो भूमि जो है, भूमि खास करके हम ही लोग के पास है, 40% जमीन हम लोग को दिखा रहा है, तो इसीलिए दिखा दिए कि भूमिहार मतलब हार, मतलब हार मतलब होता है हारन करने, किसी गरीब दबे कुछ दलितों शोषितों वंचितों का है जो शोषक नहीं है, पोषक है, लोगों का है जो भरण पोषण करने वाला है, समाज को इकट्ठा कर करके और आपसी में भाईचारा बना करके जो सबको एक साथ लेकर चलने वाला है। भूमिहार का मतलब भूमिहार होता ही है कि हर एक दृष्टिकोण से ये मजबूत है, कहीं भी किसी से ये कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। जैसे देखिए कहा गया है
दिनकर का बंधन हूँ, साहित्य का कुंदन हूँ, शांति का स्पंदन हूँ, सिर माथे का चंदन हूँ, श्री कृष्ण का बिहार हूँ, व्यक्तित्व का सुधाचार हूँ, नए बिहार का सृजनहार हूँ, भूमिहार समाज का सृजनहार हूँ, पानी में यहाँ कोई लगा नहीं सकता है, कोई माई का लाल भूमिहार भाई को हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। शेर जो लोग भूमिहार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं तो समझ सकते हैं इनको, इनके शायरी से, क्योंकि आखिर कभी ने बनाया है तो गलत नहीं बना सकता है। और शर्म उन्हें लगती है जिनके कर्मों में दाग है, भूमिहार वह शेर है जिसके खून में भी आग है, कतरा में आग है। चाहे जंगल में जो कहा जाता है शेर, जैसे देखिए, अरे भेड़ बकरी की संख्या बहुत होता है, लेकिन जंगल में शेर एक न होता है, तो शेर एक रहता है, लेकिन एगो शेर है जो कतना के अकेले देख लेता है, लेकिन कुछ लोग अब दबाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये दब नहीं सकता है किसी भी स्थिति में, माने किसी भी स्तर से नहीं। आपका समाज राजनीतिक शिकार बन रहा है। समाज शिकार नहीं हो रहा है, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसका विकार है, जो उसको होगा। हाँ, शिकार नहीं होगा, उसमें विकार हो गया। ये बात मान लीजिए, इसलिए जाति जनगणना करा करके हम लोग को संख्या कम दिखा करके है, जो हम लोग का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक है, जो कोई कमजोर नहीं कर सकता है, हरेक दृष्टिकोण से है जो हम लोग मजबूत है, कुछ सुनाइए। जो मच्छर से डर जाता है उसका भी खून लाल होता है, जो शेर से लड़ जाता है उसका भी खून लाल होता है, और जो मच्छर से डर जाता है उसका भी खून लाल होता है, जो शेर से लड़ जाता है उसका भी खून लाल होता है। भूमिहार वह जो शेर है, जो मौत को ललकारे, वो जलवा केवल भूमिहार के खून में होता है, मौत से भी लड़ने का मादा रखता है भूमिहार, हर समय मौत देने तैयार रहता है। आप दिनकर के वंशज हैं, श्री भाव के वंशज हैं, जिन्होंने पूरे बिहार नहीं पूरे विश्व को दिखाने का काम किया। बोलबे की हम देखिए, श्री भाव भूमिहार रहते हुए भी है, जो यहाँ बाबा देवघर में है, जो मैंने अदर कास्ट को जो हरजन दलित नहीं जाता। कुछ लोग तो कहते हैं कि भूमिहार जो है वंचित शोषित दबे कुछ लोग को दमन करते हैं, है ना, शोषित करने का, शोषण करने का काम किया, लेकिन श्रीवाव तो क्या नाम अच्छा है, दलितों को के लिए समझिए कि खुलवाए थे। आप तो बिहार के कोने कोने जाते हैं, अभी आप सुन लीजिए, पहले सबसे पहले बिहार में बेलछी कांड हुआ था 77 में, वहाँ कौन किया था भूमिहार, क्या था नरसंहार नहीं हुआ। हाल ही में आप सुने होंगे कि एक दलित महिला के ऊपर है, जो पैसा के कारण क्या था नहीं था, उसको बुरी तरह से पीटा, नग्न कर दिया और उसको ऊपर पेशाब कर दिया गया। बोलिए, इससे आप कुकृत घिनौना काम क्या होगा, आप सोच सकते हैं इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग, चूंकि आप आशुतोष कुमार आपके नेता हैं, आशुतोष कुमार पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार ने जहाँ जहाँ भूमिहार की जनसंख्या है वहाँ एकत्र करने का, केवल बिहार नहीं जा रहे, जहाँ जिस जिस क्षेत्र में भूमिहार ब्राह्मण का मने संख्या है वहाँ एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, वो खाली जाति के नेता नहीं है, पूरा जमात के नेता है, पूरे समाज के लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है जो केवल भूमिहार के नेता है, हरेक जात। नफरत बुरी है, नेपालो इसे दिल में खूना से निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये भारत सबका है, समारोह इसे। बिल्कुल, ये शायरी कहे हैं, बिल्कुल ये भारत सभी का है, और पांच से ऊपर उठकर आओ, नई शुरुआत करें, अब बेहतर बिहार बनाने खातिर सब मिलकर काम करें, सब मिलकर के काम करेगा तब ना, आज़ादी के लड़ाई में एक ही जात खाली लड़ा था, सब मिलकर के लड़ा था, लेकिन हाँ उसमें श्रेय हम लोग का ज्यादा था हम लोग गलत नहीं है, अगर कोई गलत हम लोग के साथ करने के लिए होता है तो फिर हम लोग वहाँ है जो पीछे नहीं हटते हैं, वो फिर समझिए कि आन बान शान के चाहते हमारा जान कहने चला जाए, है ना, इसलिए है जो फिर पीछे हम लोग गलत करने के लिए किसी को उत्साहित और प्रेरित नहीं। इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे बिहार के जितने भी भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब समय आ रहा है, एगो लगले फाइनल है, फिर सेमीफाइनल है, तो उसमें है जो मिलजुल करके अपने समाज को है जो एकत्रित इकट्ठा होकर के एकत्रित होकर के अपने समाज का एकता का प्रदर्शन कीजिए, और अपना है जो देखिए पद है तो पावर है, अभी कुछ लोगों को पद मिल गया तो देखिए बिहार में हद गले चलता है, गुंडा है, लंगटा है, ढेंगड़ा है, सब चीज़ है जो बढ़ गया है, लेकिन आप श्री बाबू के समय ऐसा देखे थे, श्री बाबू के समय कहीं किसी प्रकार के दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक किसी के ऊपर है जो अथी हुआ था, माने किसी के ऊपर गलत काम किया गया था, नहीं किया गया था, तो कैसे हम लोगों को कहता है कि हम लोग है जो दूसरा का। 5 तारीख के जो महासभा जो है भूमिहार ब्राह्मण का, कितने लोग नालंदा से आप लोग जा रहे हैं?
अनगिनती आदमी जाएगा जिसका गिनती नहीं किया जाएगा, हजारों की संख्या में गिनती लाखों लाख आदमी जाएगा। वो जीडी कॉलेज है जो कम पड़ जाएगा, वहाँ पड़ जाएगा, हाँ कम पड़ जाएगा। और वहाँ बेगूसराय जो कहा जाता है भूमिहार की राजधानी है, कि वहाँ भूमिहार की राजधानी है, वहाँ 10-12 लाख भूमिहार, हाँ हाँ वहाँ ये है सब सब कल्ले भरने की क्षमता रखता है वहाँ। अरे वो तो कम पड़ जाएगा जी, उसको तो गांधी मैदान में उनको है जो कराना चाहिए था, लेकिन अब वहाँ करा रहे हैं तो ठीक है चलिए। आशुतोष कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष जी कहेंगे समाज को इकट्ठा करके एकत्रित कर करके अपने है जो प्रदर्शन कीजिए और मजबूती कीजिए, जितना भी होवे तन मन धन जैसे होता है सबको है जो साथ लेकर के अपना राजनीति हकदार है जो बनाइए और राजनीति में अपना जो दबदबा बनाइए। तो आपके नज़र में आशुतोष कुमार कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, कभी भी किसी को किसी भी तरह से जरूरत पड़ता है तो वहाँ जो पहुँचे हुए रहते हैं। आपको हम बता देते हैं बगल में जी आर कुलती में जो एक काट दिया था उसका मुड़ी को काट दिया था उसको, तो बताइए कैसे, अगर चाहता तो उसके समूचे चौधरी समाज के घर को ही आग लगाया था। लेकिन हम लोग उस तरह का काम नहीं करते हैं, हम लोग कानून के हाथ में लेते हैं, कानून के साथ में लेके चलते हैं। बिल्कुल यही चलना चाहिए था। ये चुन जी थे और बहुत जाते जाते वक्त में कहे कि कानून के हम लोग जो है उल्लंघन नहीं करते हैं, कानून को साथ में लेकर चलते हैं, ना कि हाथ में लेकर चलते हैं। और यही होना चाहिए, बिहार वासियों को लेना चाहिए, चूँकि कानून का सहयोग करना चाहिए और कानून के साथ चलना चाहिए। और कैसा लगा वीडियो, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।